हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ दिव्या शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी चीज के बारे में बताने जा रही हूँ जिसमें दूध से 3 गुना ज्यादा कैल्शियम है। ये हमारे शरीर में वीर्य को बढ़ाता है, रक्त को बढ़ाता है, हड्डियों को मजबूती देता है। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ी चीज, अगर आपको बहुत ज्यादा मोटापा है और आप जो भी खाते हैं वो सब फैट में ही कन्वर्ट होता है, चाहे पानी पी लें तब भी आप मोटे होते जा रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो, ये चीज आपके लिए बहुत खास साबित होने वाली है। ये शरीर में वायु रोगों को बाहर करती है, शरीर में रक्त यानी खून को बढ़ाने का काम करती है। अगर आपको बार बार यूरिन आता है या फिर यूरिन इन्फेक्शन है तो भी ये चीज आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आपकी हड्डियां कमजोर हैं, आपको डॉक्टर ने ये बोल दिया है कि हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो चुकी है, आपके शरीर में खून में कैल्शियम की कमी हो चुकी है, तो ये चीज आपके लिए बहुत फायदेमंद है। अगर आप शरीर को सुडौल बनाना चाहते हैं, शरीर के मोटापे को कम करना चाहते हैं, तो सर्दियों के 3 महीने इसका सेवन जरूर करें। ये शरीर में से यूरिक एसिड को भी बाहर कर देता है। यूरिक एसिड एक ऐसी समस्या है जिसमें जोड़ों के अंदर एक चुभन, एक दर्द फील होता है। जब भी आप चलते हैं वो चुभन ज्यादातर एड़ियों में या पैर के अंगूठों में फील होती है, जो कि धीरे धीरे सूजन और एक क्रिस्टल का रूप ले लेती है। तो दोस्तों, बात करते हैं वो कौन सी चीज है। वो है दोस्तों तिल। तो लेकिन बात यह है कि अगर आप तिल का सेवन कर रहे हैं लेकिन आपको ऐसा कोई खास फायदा नहीं हो रहा, तो आपको मैं बता दूं कि आपने तिल का सेवन किस तरीके से करना है। एक चीज और, अगर किसी को बुरा कोलेस्ट्रॉल है और वो सोच रहे हैं क्या हम तिल का सेवन कर सकते हैं, तो जी हाँ दोस्तों, आप तिल का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो तेल पाया जाता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर करने का काम करता है। अगर आपको भी बुरे कोलेस्ट्रॉल की समस्या है और इसके लिए आप रोजाना एलोपैथिक की मेडिसिन खा रहे हैं, तो ये आपके खून को तो हो सकता है पतला कर दे, लेकिन आपकी लीवर और किडनियों को बिल्कुल खराब कर रहा है, जो कि शरीर के मेन ऑर्गन्स हैं, मेन अंग हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि आखिर तिल का सेवन इन सभी तकलीफों में आपने किस तरीके से करना है, क्योंकि सर्दियों के दिनों में मोस्टली लोग तिल का सेवन करते हैं लेकिन आपको फायदे नहीं हो रहे, तो किस तरीके से सेवन किया जाए। दोस्तों, अगर बहुत मोटापा है तो आपने खाना खाने के 15 मिनट के बाद तिल लेने हैं आधा चम्मच और उसको अच्छे से चबा चबा कर खाना है। ऊपर से 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं, ज्यादा पानी नहीं पीना। ऐसे क्या होगा, जो भी खाना खाया होगा वो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा, आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाएगा और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपने क्या करना है, तिल लेने हैं। एक चीज और है, अब सफेद तिल भी आते हैं और काले तिल भी आते हैं। अब आपके माइंड में ये आएगा कि कौन से तिल लीजिए, तो दोस्तों वैसे तो काले तिल बहुत फायदेमंद होते हैं, लेकिन अगर आपको काले तिल मिल ही नहीं रहे तो आप सफेद ले लीजिए, लेकिन अगर आपको काले मिल सके तो काले ही तिल लीजिए, क्योंकि वो सफेद तिल से ज्यादा फायदेमंद है, औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। तो आपने काले तिल लेने हैं। इसके अलावा आपने लेना है गुड़ और लेनी है इलायची। इसका सेवन कैसे करना है, आप तिल को लीजिए और इसे हल्का हल्का रोस्ट कर लीजिए, सूखा रोस्ट, ड्राई रोस्ट करना है, भून लेना है। उसके बाद आपने गुड़ लेना है, गुड़ का कोई गर्म नहीं करना, आपने गुड़ को सिर्फ एक पीस लेना है, जैसे छोटे छोटे एक पाउडर फॉर्म में समझ लीजिए तैयार कर लेना है। उसके बाद इसको तिल के अंदर मिक्स कर देना है, जो तिल हमने भुने हैं उनके अंदर मिक्स कर देना है, और इसके अंदर आपने इलायची का पाउडर भी मिक्स कर देना है। ये एक चूरमा टाइप बन गया, ये चूरमा जो है ये आपने खाना है। अब जान लेते हैं इसके फायदे क्या क्या हैं। इन तीनों चीजों से बने जो चूरमा है, इसके अंदर प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन B1, B6, ई, तांबा, कॉपर, ये बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। इसके अलावा इन चीजों का सेवन करने से शरीर के अंदर कैंसर कोशिकाएं पैदा ही नहीं होती। इसके अलावा जिनको उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, रक्त बहुत तेजी से चलता है, उनको भी इसका सेवन जरूर करना चाहिए। अगर आप अपने शरीर में वीर्य धातु को बढ़ाना चाहते हैं तब भी इन तीनों चीजों का सेवन इसी चूरमा रूप में करना है, बहुत फायदेमंद होगा। अगर आपके शरीर में खून कम है और खून को बढ़ाने के लिए आप कोई मेडिसिन खा रहे हैं या फिर कोई और चीजें खा रहे हैं, तो दोस्तों इन चीजों का सेवन सिर्फ 3 महीने करके देख लीजिए, आपको किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपकी हड्डियां कमजोर हैं, हड्डियां बहुत जल्दी टूट जाती हैं, क्रैक हो जाती हैं, आपको ऐसे लगता है कि आपकी हड्डियां कमजोर होने के कारण जॉइंट पेन भी रहता है, सूजन भी रहती है, तो दोस्तों इन चीजों का सेवन कर लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। लेकिन इन चीजों का सेवन आपने दूध के साथ नहीं करना, ऐसे ही करना है, यानी कि तिल रोस्ट किए हुए, गुड़ को आप पाउडर फॉर्म में तैयार करिए और इलायची के पाउडर को भी बना लीजिए, तीनों को मिक्स करके ही सेवन कीजिए।
अगर आपको वात रोग है, वायु रोग है, शरीर में बहुत ज्यादा वायु बनती है और शरीर से बाहर नहीं हो पाती, तब भी इनका सेवन करना बहुत फायदेमंद है। आप इनका सेवन गुनगुने पानी के साथ कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है तो ऐसी चीजों का सेवन करिए जो क्षारीय प्रकृति की हो, और तिल और गुड़ ये दोनों ही क्षारीय नेचर के हैं, तो इनका सेवन कीजिए। इलायची मिक्स करके जरूर करना है। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो मोटापे को कम करना चाहते हैं तो वो अकेले तिल का सेवन ही करें। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो हर एक इंसान के लिए काफी फायदेमंद है, चाहे उसे कोई तकलीफ है या नहीं है, क्योंकि ये जनरली हमारी बॉडी को तंदुरुस्ती देने का काम करती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके काम की होगी, और आप इसे जरूर फॉलो करेंगे क्योंकि इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप सर्दियों के 3 महीने इसका सेवन जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।